हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अमेरिकन सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग किया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या होता है, उसकी कौन सी पावर्स हैं, उसकी इलेक्शन कैसे होती है एंड हमने उसकी पोजीशन की। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कैबिनेट ऑफ यूएसए और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है एंड पोजिशन क्या है। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास कैबिनेट होती है। जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होती है। वहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो वहां पर प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसकी हेल्प के लिए कैबिनेट होती है। तो पहले हम करते हैं ओरिजिन ऑफ द कैबिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो पहले ये समझते हैं जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, जी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई। जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, जी कन्वेंशन बेस्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि जितने भी सेनेट के मेंबर्स हैं, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था तब वो 13 स्टेट्स थे, तो सेनेट के 26 मेंबर्स थे, तो वो ये कहते थे कि वो सेनेट के मेंबर्स से एडवाइस ले सकता है। तो पहले क्या था, जो सेनेट के 26 मेंबर्स हैं, वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जो सेनेट से एडवाइस लेते थे, वो पॉलिटिकल मैटर्स में सेनेट अच्छे से एडवाइस नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए जो वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि आखिर किसकी एडवाइस लूं, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो मुझको एडवाइस दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी ये बात रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको पॉलिटिकल मैटर्स में एडवाइस दे सके। तो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको एडवाइस की जरूरत है, तो एडवाइस लेने सेनेट जाते हैं, लेकिन सेनेट उनको अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती है उनका जी आइडिया। तो फिर उन्होंने अपने आप ही क्या किया, वहां पर जितने भी हेड्स थे, उन डिपार्टमेंट्स के एग्जेक्टिव हेड के साथ मीटिंग्स करने स्टार्ट कर दी। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट के एग्जेक्टिव हेड है, अब प्रेसिडेंट ने उनके साथ मीटिंग स्टार्ट कर दी। पहले जी 5 हेड्स थे, 5 डिपार्टमेंट्स थे। तो टाइम के साथ साथ जो जी मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स ने कैबिनेट का रूप ले लिया। तो इस तरह अमेरिका में कैबिनेट हमारे सामने आती है। तो जे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि जे कन्वेंशन है, जब प्रेसिडेंट को इसकी जरूरत थी तब कैबिनेट का डिमांड की जाती है, कैबिनेट की फॉर्मेशन होती है। तो जो कैबिनेट की फॉर्मेशन है, इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो जो बेडन जो आज के प्रेसिडेंट हैं, उनके कैबिनेट में कौन कौन इंक्लूड है, वाइस प्रेसिडेंट है जो कमला हरिस है, और उसके साथ साथ जो 15 एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनके हेड हैं, हेड ऑफ द 15 एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट्स। इस तरह उनके पास कैबिनेट है जो उनको एडवाइस देती है। तो प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो जाती है। जब कैबिनेट ऑर्गेनाइज होती है, तो इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया गया है। तो कैबिनेट है जो कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए जो कैबिनेट है, इसकी क्वालिफिकेशन भी डिफाइन नहीं की गई। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट है कैन इंक्लूड एनी पर्सन इन हिज कैबिनेट, वो किसी भी पर्सन को इंक्लूड कर सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी लिस्ट है, वो लिस्ट प्रिपेयर करता है मिनिस्टर की, कि हमारी कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स आएंगे, और उसके बाद वो सेनेट से अप्रूवल लेता है। जी जरूरी नहीं है कि सेनेट उसकी लिस्ट को अप्रूव भी कर देगी। जैसे 1989 में जो जॉर्ज बुश थे, उन्होंने जॉन टावर को उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया, लेकिन सेनेट ने उनको अप्रूवल नहीं दी। इस तरह सेनेट भी डिसअप्रूव कर सकती है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, अपनी लिस्ट प्रिपेयर करता है और सेनेट की अप्रूवल लेता है।
तो जो कैबिनेट है इसका टेन्योर कितने है, सैलरी अलाउंसेस कितने है। जिसका टेन्योर है वो भी डिफाइन नहीं है, वो कब तक ऑफिस में रहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड उनकी सैलरी फिक्स है वो किसके द्वारा की जाती है, कांग्रेस के द्वारा फिक्स की जाती है। उनकी सैलरी है 221,400 डॉलर पर एनम एज ऑन जैन 2021। इसको रिवाइज किया गया था। तो जी होगी टेन्योर, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द कैबिनेट। एंड जो कैबिनेट है इसकी मीटिंग्स क्या होती हैं और चेयरमैन कौन होते हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग्स है जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन एवर प्रेसिडेंट वांट्स तभी इसकी मीटिंग्स हो जाती हैं, जनरली वंस अ वीक में एक टाइम तो प्रेसिडेंट के साथ कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो इनका चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन खुद प्रेसिडेंट होते हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, जो मीटिंग्स हैं वो भी व्हाइट हाउस में ही की जाती हैं। तो जी होगी कैबिनेट की कॉम्पोजिशन, जैसमी कैसे ओरिजिन हुआ और उसके बाद हम करते हैं इसकी फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट है जी कैबिनेट कौन कौन से फंक्शंस करती है। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा ही किए जाते हैं। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, तो उसकी हेल्प के लिए कैबिनेट है। तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर प्रेसिडेंट की है तो प्रेसिडेंट की कैबिनेट है वो क्या करती है, अपने अपने डिपार्टमेंट के फंक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करती है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कैबिनेट की जितने भी मंत्री हैं सभी की सभी कैबिनेट प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा। देन एडवाइजरी फंक्शन। जो कैबिनेट है ये क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है, ये एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को। क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन है, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, कैबिनेट से एडवाइस लेता है। जो कैबिनेट एडवाइस देती है प्रेसिडेंट के लिए कंपल्शन नहीं है कि वो उनके एडवाइस को माने ही माने। जैसे पहले भी क्या हुआ है, जब स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना था तब उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने कैबिनेट की मीटिंग की है, इसमें जे ने पूछा कि हमको जी स्लेवरी सिस्टम खत्म करना चाहिए जे नहीं करना चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लेवरी सिस्टम खत्म करना है। तो जे क्या है, एक एडवाइजरी फंक्शन करती है, एडवाइजरी काउंसिल है। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द बिल। जो बिल्स है वो बिल प्रिपेयर किसके द्वारा किए जाते हैं, कैबिनेट के द्वारा ही किए जाते हैं। जितनी भी ड्राफ्टिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, कैबिनेट के द्वारा ही की जाती है। क्योंकि उनको ज्यादा अच्छे से पता है कि उनके डिपार्टमेंट की कौन कौन सी जरूरतें हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो इसीलिए ड्राफ्टिंग भी कैबिनेट ही करती है। नेक्स्ट इज टू हेल्प द प्रेसिडेंट इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन। जो प्रेसिडेंट है हर साल एक रिपोर्ट देते हैं कांग्रेस में रिगार्डिंग कि जो यूएसए है उसकी क्या पोजीशन है, तो वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो वो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेट कमेटीज। जितनी भी इन्वेस्टिगेट कमेटीज है वो कांग्रेस के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उनको जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन कैबिनेट ही प्रोवाइड करती है। तो जो वहां के कैबिनेट है, वहां के कैबिनेट के पास बहुत कम फंक्शंस है, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है टू द प्रेसिडेंट। वहां पर जितने भी कैबिनेट्स हैं उन कैबिनेट मिनिस्टर को कभी भी चेंज किया जा सकता है, उनके डिपार्टमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इन सब की कभी भी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो कैबिनेट है वो कांग्रेस के आगे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट की कैबिनेट कहलाती है और अपने काम के लिए प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बाद हम करते हैं पोजीशन ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट है उसकी क्या पोजीशन है, तो ये एक ओनली एंड ओनली एडवाइजरी कमेटी है प्रेसिडेंट की, जिसके पास अपने कोई भी एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं है, नो इंडिपेंडेंट पावर एंड प्रेस्टीज।
ये वही काम करती है जो प्रेसिडेंट इनको कहता है, तो इनकी एडवाइस मानना भी प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट रैदर देन टू द कांग्रेस, वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो इससे पता चलता है जो कैबिनेट की पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन है। तो उसके बाद हम इसको क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वर्ड टॉप वो क्या कहते हैं, द कैबिनेट इज अ मियर क्रिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स विल, इट इज एन एक्स्ट्रा स्टैचुरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट एग्जिस्ट ओनली बाय द कस्टम्स, इफ द प्रेसिडेंट डिजायर्स टू डिस्पेंस विद इट ही कुड डू सो। मीनिंग इसकी पोजीशन को कितने अच्छे से डिफाइन किया है, कहते जी प्रेसिडेंट की खुद की क्रिएशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जी बनाई गई कोई बॉडी है, और जी कस्टम के द्वारा एग्जिस्टेंस में आई है, और इसको प्रेसिडेंट जब चाहे वो खत्म कर सकता है, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो एक्चुअल में कैबिनेट की पोजीशन क्या है, अगर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो कैबिनेट की पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो एक एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करती है। अगर प्रेसिडेंट वेल ऑर्गेनाइज ना हो, कैपेबल ना हो, उसकी एबिलिटी ना हो, तो क्या होता है, तो कैबिनेट सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है। एक कैबिनेट पावरफुल होगी या नहीं होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइम के प्रेसिडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह जो अमेरिका की कैबिनेट है जे पावरफुल नहीं है, जे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल वर्क नहीं करती है, जे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर चलती है, और जे ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट को ही आंसर एबल होती है। विद दिस कैबिनेट ऑफ द यूएसए है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।